अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज मैं आपको वेस्ट होने वाले फूड के बारे में बताऊंगी जिसे यूज करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। वैसे इस पर्टिकुलर बिजनेस पर अमेरिका की एक कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। हेलो, वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी। आई एम योर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव किरण। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप किसी नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर एक वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना पाऊं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फूड वेस्टेज आज के टाइम में बहुत कॉमन बात हो गई है, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दुनिया में जितना भी फूड होता है उसका लगभग 1/3% फूड डस्टबिन में जाता है। अगर हर साल की बात की जाए तो लगभग 1.34 बिलियन टन फूड वेस्ट हो जाते हैं। तो आप ये खुद जानते होंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जब भी आप घर के लिए फ्रूट्स खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स खरीदे और जल्दी से फटाफट खा के उसे खत्म कर दे, क्योंकि अगर 4-5 दिन चलेंगे तो फ्रूट्स खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये तो हो गई घर की कहानी, लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बल्क में स्टोर करके रखते हैं। अब मान लो उनका सामान नहीं बिकता और उनके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, और खराब चीजों को कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता तो उन्हें फेंकना पड़ जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी उनका काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर मैं आपको इसका डेटा बताऊं तो आप भी सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। हमारे देश में जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं उनमें से 18% वेस्ट हो जाते हैं, जिसकी प्राइस लगभग 13,300 करोड़ रुपए होती है। तो अब आप समझ ही जाएंगे कि फूड वेस्टेज में हमें कितना लॉस हो रहा है। वही अगर ऐसे में हम स्टार्टअप को शुरू करते हैं तो फूड वेस्टेज काफी हद तक कम हो जाएगी, साथ ही बिजनेस काफी अच्छा भी चलेगा। अब इसके सलूशन पर जाने से पहले मैं आपको इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बता दूं, जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी होगी। ये जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें पेड़ से तोड़ने के बाद उनमें से मॉइस्चर कम हो जाता है और एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही उनमें से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगती है, जिसकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खराब होने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। ये कैसे, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो होता है लिपिड केमिकल और दूसरा होता है ग्लिसरोलिपिड। ये दोनों क्या काम करते हैं, चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये दोनों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ही होते हैं। ये तीन जगह पाए जाते हैं, छिलके के अंदर, पल्प के अंदर और इनके बीजों के अंदर। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करती है। अगर इन दोनों केमिकल को बाहर निकाल कर पाउडर फॉर्म में रेडी कर लें और उसको पानी में मिलाकर छिड़काव करें तो उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगी और उसके अंदर से जो मॉइस्चर निकल रहा है वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इससे ये होगा कि जो चीजें 3 दिन में खराब होती थी वो 9 दिनों तक चल जाएंगी। इससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता। आपको मैं फिर बता दूं कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि अमेरिका की एक कंपनी पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। उस कंपनी का नाम है अपील। वहीं से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको भी इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्टार्टअप को आप इंडिया में कैसे शुरू कर सकते हैं। इस स्टार्टअप को इंडिया में इस तरह से भी कर सकते हैं। पहला तरीका, अमेरिका में जो स्टार्टअप है अपील, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट इंडिया में लाकर उनके ब्रांड के नाम पर बेच सकते हैं। दूसरा तरीका, आप अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, उसे इंडिया में सेल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लिपिड केमिकल एंड ग्लिसरोलिपिड ये दोनों चीजें इंडिया में पाई जाती हैं। इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आप किसी भी केमिस्ट्री विशेषज्ञ या साइंटिस्ट से सलाह जरूर लें। इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने की हम आपको सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं। अगर आपको वाकई में मेरा ये सुझाव पसंद आया है तो आप इसकी रिसर्च अपने ही तरीके से करें। अब चलो एक पल के लिए मान लें कि आपने स्टार्टअप शुरू कर लिया, कंपनी से कॉन्टेक्ट करके या फिर खुद का प्रोडक्ट डेवलप करके। आप इस स्टार्टअप को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच सकते हैं और जो भी हैंड यूजर होंगे वो खुद स्प्रे के अंदर भर कर अपने जो भी फ्रूट्स हैं उन पे वेजिटेबल उन पे स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा तरीका, लोग आपको बुलाएंगे, उसके बाद आपकी एक टीम वहां जाएगी और प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स पर स्प्रे करेगी। तो इस तरह आप स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट की। इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए
आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर काम करना चाहते हैं तो आपका एक अलग इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं आप अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आपका एक अलग इन्वेस्टमेंट होगा। फिर भी मोटा मोटा ये मान लीजिए कि अगर आप इस स्टार्टअप को शुरू करते हैं तो आपके पास कम से कम 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए, तभी इस बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे। चलो अब ये जान लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन बेसिक चीजों की आपको जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट की जरूरत होगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं या फिर लोगों को स्प्रे की सर्विस देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जिससे लोग आपके प्लेटफॉर्म में आकर उस सर्विस का लाभ उठा सके। दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंस। तो पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा, साथ ही FSSAI लाइसेंस भी लेना होगा। इसके साथ ही आपको GST रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इसके अलावा ये बिजनेस शुरू करने के लिए 400 से 500 स्क्वायर फीट की जगह की भी जरूरत होगी और कम से कम 3 से 4 एम्प्लॉइज की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको हमारा न्यू स्टार्टअप बिजनेस, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और बस इतना सब करके आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस इंडिया में नहीं है। तो अगर आप इस बिजनेस को इंडिया में शुरू करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी जो भी राय है इस स्टार्टअप के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।